जो आ माटी री मूरत बनावा। बड़ा ही सुंदर संवाद है, भारत के संतों के मुखारबिंद सुना हुआ भी है कि भैया माटी री मूर्ति बनावा, आप स्थापना करो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। उन्हें बाद में बड़ा गाजो बाजो रो साथे पूरा गांव वाला नाचता कूदता बड़ा हर्ष रे हाथे अनंद लेगन विसर्जन करो। न कोई न कोई तो कारण भी ला, कोई न कोई तो कायदो भी, बाकी बेवड़ा वो नत्री सेवा करो ना तो मैं गमाड़ो कौन वास्ते हो गए पकड़े नहीं राखो। और सब देवी देवताओं से आदमी को कुछ न कुछ सीखवाने मले, बाकी एक बात ऐडी है नी जो भगवान गणेश थी सीखवान मले, और वो है विवेक। विवेक मारा गजानन जी भगवान रे दीदोड़ो है आदमी रे माए विवेक कई प्रकार रो वे बैठवारो विवेक है, कटी जावारो विवेक है, आवारो विवेक है, खावारो विवेक है, पीवारो विवेक है, हर चीज रो विवेक है। और हैंगो ती मोटो है विवेक, और विवेक रे माए आ विवेक वाली कृपा मारे गजानन जी भगवान रे दीदोड़ी है कि आदमी रे माए विवेक कैडो है। आदमी बोले जब नोठा पड़े कि भाई हमें दुकान होना रही है कि लोड़ा रही है, क्योंकि जन टेम रहा मुंडा रो शटर खले नहीं दादा। आदमी बोले बन माते ठा पड़े कि भैया दुकान होना रही है कि कोई लोड़ा रही है, ठा तो पड़े। और वो है विवेक, और आदमी दे माए विवेक वेणो खूब जरूरी है। और जन ने माए विवेक है नहीं तो हजमणो चीजे के आ मारा गजानन जी आप जी की कृपा है, हमारे भगवान गणेश की कृपा है। मंडल खर्चो तो तेल रो और है मोटो विवेक मले गजानन जी भगवान थी। और बल बुद्धि और विद्या, बल बुद्धि मारे बल और बुद्धि ताकत और आदमी रो अनुभव बुद्धि है जो हनुमान जी महाराज देवे, और माया देवे मारो महादेव माया पति महादेव वनवासते भगवान। आज डोकरों पूछे बहन के भाई माया करनी है तो के सब महादेव रही है। देख जो कोई सज्जन आदमी वे लिखवा राम जी बाप जी भी लगी, अरे भाई आदू पंत नमन पद मोटो साध संगत वाली करिया, अरे संतो बना नमन कुण तरिया। आदमी री सज्जनता को ये आदमी जत्रो भी मोटो वेला नहीं बड़ में नमन पद वेला नरम भाव वेला। ओ हो दाता अवशा जय रघुनाथ जी री, जय माता जी री, जय गुरु महाराज री, ओपे करो। देख जो कोई सज्जन आदमी ने पूछियो के साथ आता है अपने मकान ने दुकान ने सब आप रे, तो वो सज्जन आदमी वेला तो वो अपना जवाब देला के नहीं हमारा नहीं है, ठाकुर जी महाराज रहा है, महादेव जी रहा है, चार पूजा रहा है, अन प्रकार दी वो जवाब दिए। ने कदी मारे हरकान पूछियो वे के ए सब जगह सब अपने से पाक दिला जगह भाड़े दी दोड़ा है, मन कर रिया किरिया माते हाले रिया है, वो कदी नरम बात नहीं करे, वो तो कड़क बात इस करी ला। और ओ विवेक मारे के जन जी भगवान रो दी दोड़ो है। और कवि लोग बतावे के जन टेमरा वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी बाब जी ग्रंथ लिखता था, ग्रंथ बाब जी ने खूब कंठस याद था, बाकी लेखनी याद कौन थी, लिखवारो विवेक मनोरे माए कौन। तो वेद व्यास जी बाबजी ब्रह्मा जी महाराज रे पार्थी गया, ब्रह्मा जी ने पूछियो रे मारे पार्थी ग्रंथ, मारे ग्रंथ लिखना है। ब्रह्मा जी बाबजी पूछियो रे भाई ग्रंथ क्यों लिखना है, कि मारे भैंगो ती पहला मां भारत लिखनी है। तो ब्रह्मा जी महाराज वेद व्यास जी बाबजी ने कियो कि आपने अगर ग्रंथ लिखावणो है तो आपने हैंगो ती पहला गजानन जी बाबजी ने राजी करना पड़ेला। अगर गजानन जी भगवान छावेला नहीं तो डोकरो सब ग्रंथ थोड़े हैं घड़ी पलक रे मैं पूरा कर देला। बड़ा ही सुंदर संवाद है, भारत के संतों के माध्यम से संतों के मुखारबिंद बात सुनी भी हुई और सत्य बात भी है। अबे वेद व्यास जी बाब जी गजानन जी भगवान रे पार्थी किया कि ब्रह्मा रो आदेश लेन आप रे पार्थी आयो, हे मारा गणराज, हे गजानन जी भगवान मारे ग्रंथ लखनो है। हमें गजानन जी भगवान राजी व्यापार वेद व्यास जी बाब जी आगे हाँ भरियो के भाई मैं थारे ग्रंथ तो लिख दूला। अबे बैठा बैठा वेद व्यास जी बाब जी तो आपरे मुखारबिंद बोले रिया और भगवान गणेश पण ग्रंथ ने लिखे रिया। एक दिन भी हो, दो दिन भी हो, तीन दिन भी हो, चार दिन भी हो, पांच दिन, सात दिन तक एक हर का रात और दिन, नहीं तो गजानन जी भगवान होता और नहीं वेद व्यास जी महाराज होता। और वो पूरा ग्रंथ लिखियो, हाथ वो दन भी हो
हाथ को दंड वियों ने वेद व्यास जी बाप जी ने नजर गणेश जी माते पड़ी और मने विचार की तौर से गजानन जी महाराज हल्का सा थकान में लागे दिया है। गजानन जी बाप जी ने पसीनो आवे दियो है। उन टेमरा वेद व्यास जी बाप जी है बढ़िया ठंडी माटी लाई और माटी लावे पान गजानन जी भगवान रे शरीर माते बनो लेप की दो के गर्मी घनी है जो थोड़ा ठंडा रही ला और माटी लावे नाड़ा रे माई बढ़िया और ठंडी माटी ला जा रे बाद रे माई गजानन जी भगवान रे शरीर माते बने लेप की दो। गजानन जी भगवान तो आपने लेखनी रा माध्यम थी काम कर रिया है और वेद व्यास जी बाबू जी बैठा बैठा आपने मुंडा थी वो ग्रंथ बोले भी दिया है। गजानन जी भगवान लिखे दिया है और वो पसीनो वो जो है वह माटी लावे भी गजानन जी शरीर से छेड़ी बनो लेपन की दो। गजानन जी भगवान लिखता लिखता है हाथ आठ दस दिन गया और वो ग्रंथ पूरा वे गयो। अबे वो पूरा हुआ रे बाद रे माए वह माटी तो हुकोनी जुगो सेठी गजानन जी रेडी गिल रे। अबे वह माटी चेट की वेद व्यास जी भगवान विचार की दरे माटी उकेलने की कर जे वेद व्यास जी पर गजानन जी भगवान ने ले गए और बढ़िया सरोवर तो बन सरोवर में गजानन जी महाराज ने बेवाड़िया कि आप गड़ी पलक अन में बो आ माटी है गली जी के जयपुरी जरी वंदंती अपने सनातन धर्म रे माए आ गजानन जी भगवान की मूर्ति ने बेवाड़े और विसर्जन दी आ प्रक्रिया हुरु की दी ओपे लोगे। एक बार सभी जयकार कर बोलो श्री गजानन भगवान की। ने कोई कोई तो मोटिया देख जो गजानन जी महाराज ने विसर्जन करवा जाए जो गजानन जी रो पूरा ऑटो पड़े नी डूबी जे तो हरवड़े पान सियार हाथी का माथे बैठ जो गजानन जी मरते ही मैं पड़े पौनी में करे कोई गजानन जी विचार करे कि हमें आज जगह छोड़नी पड़ेगा नहीं तो अपना ऑटा फरा गाड़ी है सोरा। और गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि का दाता है और आया नहीं आदर क्योंकि जन्ने घर में तीन चीजों भोगट में मड़ेला नहीं वन चीज वन घर में कदी गजानन जी महाराज की कदी कमी महसूस नहीं वेला हमेशा डोगरा की कृपा वेला और वे तीन चीजों कोई है। एक तो आदर आवोशा कन्ने भी घरे जोन अगर दगले आदमी को क्यों बहन के क्योंकि संसार में तीन चीजों का पिया नहीं लगता अरे आवो पियो पियो पानी आवोसा बैठोसा और घर में पहली सेवा वे वावे जलरी पहला मेहमान आवे तो पहला अभी पानी पावो जन घर में अगर ये तीन चीजें अपन ने पूरी मले कभी मेहमान रे में गिया वो कोई भैसेंड रे घरे गिया वो कोई गिनाई तो रे बटे गिया वो अगर जातो इसने अगर अपन ने तीन चीजों मले रही है तो मन रे में दीजो देनो हजमनो के भी अन घर में दे मारे रिद्धि सिद्धि दाता गजानन जी महाराज री ठेलमी कृपा है। के जगह जाऊं जगह सा पधारो सा घर में आवो और पिता ना के मोरे कह में अरे के बे घड़ी मैं तो आवो एटा भी हो पानी पिए जाओ तो हजमड़ो के गजानन जी महाराज की कृपा है। ने के जगह माते जाऊं जैसी तू पूछे कोले वायो तो कोई कौन तू अरे कौन वोम तो वही ली बात है बाकी पिला बन्ने जवाब तो ढंगरो दियो पे क्योंकि आवो पियो पियो पानी अरे तीन बात मोल नहीं होनी अरे तीन चीजों संसार में पिया नहीं लगता भाई अनवास्ते कवि लोग बतावे के हे मानव तू सज्जनता रे हाते जीव क्योंकि पूज्य लिखवी राम जी बाप जी भी बड़ो सुंदर लिखियो है के आदु पंत नमन पद मोटो आज भी ओपे अपना वडीरो ने याद करो अपना पूर्वजो ने याद करो कैसा फलवन जी दाता एड़ा भी आता क्योंकि वणेन संसार रे माए परिवार रे हाते समाज रे हाते गांव रे हाते बड़ा प्रेम रा शब्द रे हाते बने जीवन जीवियो और चार मन करे माय जन आदमी रो नाम लेवो नहीं तो हजमनो के वो आदमी तो अमर है भाई मरियो नहीं है क्योंकि अमर वे वाला खाली तीन मार्ग है। अन वास्ते नारी शक्ति री महिमा करी है के हे मां तू बेटा ने जन्म दे तो एड़ो दे कहड़ो अरे जननी जने तो ऐसा जन दातार भगत या शूर के तो कोई दातार बेटा ने जन्म दे और भारत रो इतिहास इतिहास उठावे देखो भक्तो राजा रघु है राजा चंद ने हरिचंद है गोपी संत है भरतरी है अरे ऐडा दातार भी है जो बमना तो दातार है तमना जुजार है और जो कमायोड़ी पूंजी वे बनो सदुपयोग करे धर्मरा कौम रे माए ऐडा ऐडा धार्मिक आयोजन वे कटे स्कूलों बने प्यऊ बने धर्मशाला बने मंदिरों रे माए अगर अपने कमायोड़ी पूंजी रो सदुपयोग वे अगर हकरा कौम रे माए लागे नहीं तो कह तो बन भगत रो नौ मन संसार माए अमर वे या फिर भगत कर्माबाई मीराबाई संत रेदास नरसिंह मेहता लखमो जी महाराज बक्सो जी महाराज पूज्य खेतराम जी महाराज
जने भगवान रे भजन रे माध्यम थी अरे खुद रे हाथे हाथे खुद रो परिवार है परिवार रे हाथे हाथे खुद रो गांव है और गांव रे हाथे हाथे अपनो समाज कई समय समय तक अमर कर जाए के एड़ा भगत बेटा ने जन्म दे या फिर वीर वीर भी कहो जो धर्म री रक्षा रे वास्ते गौ माता री रक्षा रे वास्ते बहन बेटी री लाज री रक्षा रे वास्ते जो जो वीर अपना प्राणों री आहुति दिए नी उन वीरों रा नाम संसार में अमर वे भाई। बाकी तो देख जो ओपीएम में वीर हेरी रे नागा माता जन भाईओ सडावो के सान एरिया में अपनी बियो नी हाले बा दादागिरी तक टेमरा खत्म वे ऐप के ब्रो शिकन गुनिया आवे जे 108 बुलावे सभा खनम गालन व्यास में लेकिन भर्ती करनो पड़े। वाह वीरता कोमरी नहीं है अगर वीरता है तो देख लो भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप है पृथ्वीराज चौहान है वीर कल्ला राठौड़े बाबूजी राठौड़े अरे झरला राठौड़े जने धर्म री रक्षा रे वास्ते गौ माता री रक्षा रे वास्ते बहन बेटी री लाज री रक्षा रे वास्ते अपना प्राणों री आहुति दीदी उन वीरों रा नाम मन संसार में अमर विया है सदा अन वास्ते मारी मात्र शक्ति री महिमा करिए के हे मां अगर तू बेटा ने जन्म देनी तो एड़ो दे के तो भगत के दातार या फिर सूर क्योंकि उन तीनों रे मायती सौ तो आदमी आज दिन तक कोई अमर नहीं भोजने तीन कौम की दे नहीं उन्होंने दुनिया मौने रही है दुनिया पूजे रही है उन्होंने नौमरा मंदिर बने रही है उन्होंने नौमरा मेला भरी जा रही है और उन्होंने नौमरी मोटी मोटी जागनो बह रही है भाई। तो और अबे टीवी रे माध्यम थी भी आप बात सुनो शास्त्रों रे माध्यम भी हो देखो भी हो टीवी रे माध्यम थी सोशल मीडिया रे माध्यम थी ये पहला जी टेम रे मैं कभी लोग बतावे के मां रे पेट रे मैं गर्भ वेतो नी चार महीने रो गर्भ वेतो चार ती पांच महीने रो गर्भ पेट में ठहर तो नी उन मां ने उन नारी ने उन बहन ने लेगे कटे ऋषि मुनियों रे आश्रम रे मैं बेवाड़ता ताकि वे ऋषि मुनि आप रे मुखार बिंद कोई ऐडी कथा सुनता कथा हुनावता कोई विष्णु पुराणे गरुड़ पुराणे शिव पुराणे महापुराणे भागवत है वीर कथा है और वा लुगाई जिनने पेट रे मैं टाबर पड़तो नी वा लुगाई वन संतोरा शब्दों ने हुनती और कौनोरा माध्यम थी जो पेट रे मैं टाबर पड़तो नी वन टाबर तक वे वातो जाती वन मारे पेट थी देख लो के तो भगत पैदा वेता के दातार पैदा वेता न के कोई वीर पैदा वेता। हम आजकल तो वो सिस्टम नहीं है आजकल तो लुगा जो घरे बैठी बैठी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देगी तो हम देख लो वन जगह तो जेठा लाल है पोपट लाल है हम कटा दी होजन लावो हो करो ही कोई समय है भाई तुलसी तन का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान कांपे लूटी गोपिया वे अर्जुन वे बाण समय सवेरो खेल है सा एक में ठाकुर जी महाराज की रचना प्रस्तुत करो क्योंकि ठाकुर जी महाराज भी कई जगह रे माते भक्तों रे माते मेहर भी उड़ाए काली तीन थी भगवान ठाकुर जी महाराज ने आपा विनंती करा।